नमस्कार, ईटीवी ओडिया रे विशेष कार्यक्रम को आपनु स्वागत करुचे। प्रथमे पंचायत निर्वाचन तापरे निकटरे सरीथिबा पांचटी राज्यर निर्वाचन रा फलाफल परे एबे गोटिए कथा स्पष्ट होउची कि केवल राज्य नुह राष्ट्र राजनीति मध्य कडलि उठुचे। ए समय अनेक किछि नुआ नुआ समीकरण रा कथा उठुचे। आम सहित अछंती ओडिसार तथा भारत जने वरिष्ठ राजनेता, कांग्रेस रा वरिष्ठ नेता, पूर्वतन केन्द्रमंत्री तथा पूर्वतन सांसद श्रीकांत जेना आम सहित रही संपर्क आलोचना करने सर नमस्कार। आपण कितना सुंदर कथ उठे जे राजनीति बदलनी, राजनीतिर जो माने चरित्र बा जो राजनेता माने ही बदली आज जे बैक टू आप कौन जे मंडल बनाम कमंडल एवं पुणी पलि आसी जगह को यार बेसीस कौन जे समस्ते कौन कि पोलाराइज हो भारतीय जनता पार्टी और मोदी प्रभाव पूरा पोलराइज कर सुंदर कथाटे को स्टाटिस्टिक्स रे गणित रे मध्य देखते ये 90s रे मंडल बनाम कमंडल पर्यटन पड़े आस देश राजनीतिक चित्र को जदि आम लक्ष्य करवा विशेषकर एवं उत्तर प्रदेश निर्वाचन एवं पंजाब गोवा मणिपुर ये 4-5 राज्य निर्वाचन है विधानसभा से विशेष करी लोकों को राखी थिला जे उत्तर प्रदेश निर्वाचन रे कौन हो पंजाब रे कौन हो एवं उत्तर प्रदेश निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी विपुल संख्या रे विजयी हेले एवं एपरी एक प्रचार चली नेशनल टेलीविजन चैनल रे एवं विभिन्न चैनल रे जेपरी भारतीय जनता पार्टी 2019 निर्वाचन को जीति सारे ऑलरेडी जीति सारे कारण से उत्तर प्रदेश 2012 अखिलेश यादव 224 सीट रे विधानसभा को आसते मात्र 47 सीट रे बीजेपी पाई कि 2014 मसीह 73 जन एमपी बीजेपी जीतिक जाइए से राजनीति में आज कौन काली कौन ताको चिंता करने जानवा अनेक समय आम आनालाइज करूँ एवं से ही आनालीसीस भितर मुझे कहली जे राजनीति बदली ना कि राजनीति में जो माने प्लेयर से माने बदली बिहार एक्सपेरिमेंटा आप सब जगह कैन इट बी रिपीटेड सामाजिक चित्र एवं उत्तर प्रदेश सामाजिक चित्र प्राय समान एवं बिहार रे कहीं के भाव ना 2014 मसीह जिते बिहार रु प्राय आरजेडी एवं जेडीयू निश्चिन्न हो गला मुख्यमंत्री निजे नीतीश कुमार भावि नथले से बाध्य कि रिजाइन कर देले एवं सेठी तांको दलर आउ जणको मुख्यमंत्री करै थले जितेन्द्र माझी को एवं मात्र 6 मास भितरे चित्र बदलला एपरि चित्र बदलला कि विश्वास कर नथले जे लालू यादव एवं नीतीश कुमार एक हेबे एवं 2015 मसीह 14 मसीह जो मैंडेट मिली मोदी को से मैंडेट को बदली हे एवं लोक हूँ भारतीय जनता पार्टी स्वीप कर इतिहास राजनीतिक इतिहास कड़े सफा हो नीतीश एवं लालू कि जस्ट द रिजल्ट इज डिफरेंट तर जस्ट उल्टा है तो ये 50-60 सीट सीमित हो गले और 2/3 मेजोरिट रे लालू और नीतीश 2015 नवेम्बर मस विधानसभा को जीतले एबे जो माने एक कथा कहूँ कि ये थ्योरी रे इट लुक्स पॉसिबल जो माने स्ट्राटेजी रे रहुचन पॉलिटिकल स्ट्राटेजिस्ट होंतु एमानको कथा थ्योरी रे इट्स पॉसिबल बट ग्राउंड रे जो भली भाव रे सपा बसपा एमानकर जहा जा इक्वेशन अछि एमाने प्रकृति रे हाथ मिलेबा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जोटा कि थिला एक भी कहीं चिंता कर लालू यादव नीतीश कुमार एक हे बोली एक कभी चिंता कर मुलायम सिंह एवं कांसीराम एक हे बोली एवं राजनीतिक परिस्थिति अनेक समय कारण से उभय सोशल जस्टिस रे विश्वास करते लोहिया इट्स एवं आंबेडकर इट्स मान मिलन अतीत एग्री गोटे कथा आपमती ने बोध हुए उभय अखिलेश आउ मायावती एमाने सेंस करी पारिले नाही भोटरंकर स्विंगटा कुआडे ता नहले काउंटिंग रा जस्ट पूर्व दिन अखिलेश यादव बीबीसी हिंदी को स्पष्ट भाव रे कहिचंती जे आवश्यकता पड़िले आमे मायावती सहित हाथ मिलई पारू तेणु मेंट को अस्वीकार करा जाई न पारे सेतबेळ को सब बिगड़ी जाइछ सब सरी जाइछ। सर आउ गोटे कथा
जे जेतेबेले समस्ते गोटे प्रकार 2000 ए जो 70 जो निर्वाचन गला पांचटी राज्य रे यार फलाफल को नहीं कि जेतेबेले कि कांग्रेस अन्यान विरोधी दल जेतेबेले सब भांगी पड़छन आई थिंक आपण जो कथाटी उठाउछंती ये गोटे आशा संचार कला भलिया किंतु एबे त लागुछि जे मंडल बनाम कमंडल नुह कमंडल कोनोसी भावरे से जाणी जाइछंती पॉसिबिलिटीटा को जागर अछि से मंडल को मध्य किछि पाखु नै आछंती सो मंडल रे किछि परसेंटेज ऑफ वोट आ यस आई एग्री सो दैट इज दे हैव वेरी मो सेटिस एकदम संपूर्ण सहमत जे ए सेक्शन ऑफ मंडलाइट्स ए माने भारतीय जनता पार्टी संगे जथा कुर्मी वोट यस नेक्स्ट टू यादव वोट कुर्मी वोट ए माने जो माने किछि अनुप्रिया पटेल को संगे बीजेपी रो हितला गठबंधन से 9 सीट रे जीति चंती तांकर मां जे सोनेराम पटेल जे स्त्री कृष्णा पटेल तांकर प्रभाव असंभव भाव बनारस अलाहाबाद एरिया रे एवं जदि तांको संगे भी एमान को समझौता ही थांता ताले परिस्थिति ओडिसा कॉन्टेस्ट को आछी आपण जो कथाटी कहि छथि ओडिसा रे 2019 को लेकी कोन राजनीतिक चित्र देखु चंती आ एथि पई विरोधी दल हो बा एथि पई कोन उड परिवर्तन आवश्यक दरकार पड़ुछि आपण ओडिसा रे दुटा कथा गोटे कथा हि छि जे नाउ सर वन आउट ए क्लैरिफाई आपण करिया पई एकदम आउट ए शार्प स्ट्रेट क्वेश्चन पई नाउ आपण को पई सबठरु बड़ शत्रु के काहक दूरी रखा जीवो बीजेडी ना भाजपा ओडिसा रे दुटा कथा भारतीय जनता पार्टी होउछि मुख्य विरोधी भारतवर्ष राजनीतिक क्षेत्र रे कांग्रेस पई ओडिशा कॉन्टेक्स्ट रे बीजेडी एवं कांग्रेस ए दुईटी पार्टी भीतर उभयंकर प्रतिद्वंदी एवं बीजेडी जेतेबेले बीजेपी सह मिसेकी थिला सेतेबेले बीजेडी एवं बीजेपी अलगा हला परे एक राजनीतिक चित्र अलगा बदलिछ एवं विशेष करी जेतेबेले बीजेपी केन्द्र रे सरकार को आसला परे नरेंद्र मोदींकर राजनीतिक क्षेत्र को आसला परे स्वाभाविक भाव तार एक प्रभाव हो द्वितीय पंचायत इलेक्शन में आप कहे जे बीजेपी खूब भल कर कंपेरेटिवली जी आशा कर बीजेडी तुलन में बहुत खराब कांग्रेस आहरी खराब कर सत किंतु से गोटे कथा मुझे रखे जे लोक 17-18 वर्ष धरी एटी नवीन पट्टनायक शासन चली तार एक ऑटोमेटिक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ऑपरेट कर आपणकर एत वर्ष अभिज्ञता अच्छी बहु वर्ष अभिज्ञता अच्छे ओडिशा राजनीति पूरा ठीक से बुझिंट आईडियल कौन हवा दरकार जदि बीजेपी को अटकेब कांग्रेस रोट बेस प्राय 27% भोट बेस रु हे तो ये पंचायत इलेक्शन देखा कि कमी किंतु जनरली 25-30% भोट भितर कांग्रेस भोट बेस सब रही जर्क देवार अच्छी ताको जर्क देवाई है तो मयूरभंज जिले में सी जेएमएम आदिवासी सांताल लोकंर आदिवासी मानक जेएमएम हूँ एक मुख्य राजनीतिक अस्त्र जदि आम कांग्रेस जेएमएम सांगे समझौता कर एवं अन्य पटे वामपंथी मानक सांगे आम जब नहीं पार्टी सहयोग मुझे जाने ना बीजेडी आभिमुख्य कौन हम मुझे संपर्क में कहीं कहीपर ना बीजेडी हुए तो अस्तित्व बीजेपी सांगे जापर यदि बीजेडी पक्षर कहा जाए कि प्री और पोस्ट कल अलायंस यदि कौन निर्वाचन पूर्व हो बा निर्वाचन परे यदि कांग्रेस बीजेडी गोटे मेंटर सूत्रपात हुए आपण यहाँ स्वागत करेंगे ना नहीं मु भाजी से ठीक हम नहीं बोली कहीं एक विराट राजनीतिक स्पेस आम छाड़ीद बीजेपी कांग्रेस जदि मैदान निजर ठीक भाव निजी शक्तिशाली कर पर कथा किंतु प्री पोल अलायंस विल ओनली हेल्प भारतीय जनता पार्टी जदिव सारा देश में एक राजनीतिक चित्र बदलु लोकंर कारण पार्लियामेंट इलेक्शन और आसेंबली इलेक्शन एक समय हम जदि अलग अलग होता अलग कथा जेहेतु एक संगे हम ओडिशा लोके
जो राजनीतिक परिवर्तन सारा देश में हम एवं मत जल जल हो देखा जो चित्र लोकंर धारणा जे बीजेपी 2019 मसीह उत्तर प्रदेश निर्वाचन फलाफल को लेकिन से आशावादी होती आ गए कथा बीजेडी गोटे कथा आप कहले कि बहु वर्ष धरी बीजेडी शासन रहा गोटे एंटी एस्टाब्लिशमेंट फैक्टर नेचुराली लोक से दल ठू मुह फेर आउ गोटे एमती कारण पारे कि जे नवीन पटनायक करिश्मा आस्ते आस्ते फेड करुच्छे आउ लोक माने आफ्टर नवीन हु गोटे जगार कथा होची नवीन बाबू आस्ते आस्ते बयस बढ़ुची स्वास्थ्य किसी हो पारे व्हाटएवर इट्स ए नेचुरल थिंग तांक परे किए तेणु एबे समय अच्छी भारतीय जनता पार्टी बा अलग दल को पड़े जाऊ मु भौजी एक लोकोडे डेड एंड रोज ता परे कुछ देखाउ नहीं कथा हो जी एक रीजनल पार्टी ओवर डिपेंडेंट गोटे व्यक्ति ऊपर रहिले जा हवा कथा हुए एवं समाने सेकेंड इन कमांड थर्ड इन कमांड ये जो लोगों को आनवा कथा एवं राजनीतिक विचारधारा को नहीं राजनीति करा जाए विजु जनता दल कौन से एक विचारधारा को नहीं राजनीति करूना व्यक्ति केवल व्यक्ति एवं द्वितीय विजु बाबू लिगासी को भी नहीं जब ठीक भाव में कम करते भी अनेक कथ हाँ विजु बाबू लिगासी थी कम्प्लीटली सेकुलर पॉलिटिक्स से विश्वास करवा विजु पटनायक के कम्युनाल फोर्सेस सांगे के सामिल करना निजी विजु बाबू अनेक समय प्राक्टिकाली विजु बाबू वाज अब्सोल्यूट ऑफ कांग्रेस पार्टी ही वाज द फर्स्ट फुल फ्लेज्ड कांग्रेस चीफ गेस्ट ऑफ ओडिशा एंड ही वाज मोस्ट ब्लू आइड बॉय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड विजु पटनायक जीवन अधिकांश राजनीतिक जीवन कांग्रेस दल भाला तेणुक विजु पटनायक राजनीतिक जीवन और विचारधारा सांगे बीजेडी जे एकमत भावे ना कारण बीजेडी जो केवल क्षमता पाई गोटे राजनीतिक दल बिकज ऑफ कांग्रेस आम ठीक भाव निजुक संयत कर पारू एवं ठीक भाव सजाड़ी पारू निजे निजुक ठीक लोक ठीक भाव में पहुँची पारू बोली ना कांग्रेस गुड़ा मीन दि अल्टरनेटिव बहु आगर हो पारा आप गोटे गुरुत्वपूर्ण कथ जो कहते कि जो भाई भाव में बीजेपी पोलराइज करुच्ची मोदी फैक्टर जो भाव में एवं प्रेजेंट ये भाव में इनफ्लुएंस कर चारिडे देखा जाकू यू ब्लेम इट ऑन द पब्लिसिटी फैक्टर जो भाव से पूरा सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को धरते स्वाभाविक उत्तर प्रदेश निर्वाचन फलाफल साहय कर से कथा आहरी ग्लोरीफाई कर कंटेक्सट से कथा पंजाब एक मैसिव मैंडेट पाइल किंतु पंजाब रो इलेक्शन रिजल्ट किबा गोवा एवं छोटा राज्य जेहेतु गोवा एवं मणिपुर ताको के कंसीडरेशन नो ना सही कस्टे जे आ परे परे ये तो गुजरात रो इलेक्शन आ 4 मास परे हबो 6 मास परे होउची गुजरात इलेक्शन राजस्थान इलेक्शन एवं मध्य प्रदेश इलेक्शन रो फलाफल नेशनलरी एवं ये प्रभाव को न्यूट्रलाइज करियो बोली मोर विश्वास आपण जो कथा को सही थबे आपण कहले कि जदी सपा बसपा समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी ए माने जदी ग्राउंड रियलिटी को बस्थांते यादव कुर्मी मल्हा एवं मुस्लिम माइनॉरिटी एमानक भोट जोटा एकदम गड़ा थिला एमाने सब अलग अलग होते तो से ही कंटेक्सटे ओडिशा रे ए रियलिटी को देखिकी जदि छोट छोट दल छोट छोट जो जहाँ अच्छा भूमिका जहाँ अच्छी एमानकर एकजुट हवार आवश्यकता अच्छी कांग्रेस ता लीडिंग नवा कथा आप कौन कांग्रेस नियता राजनीतिक दल कांग्रेस जेएमएम एक राजनीतिक दल एक साइजेबल सेक्शन ऑफ ट्राइबल्स को ऊपर तांकर प्रभाव रही सुंदरगढ़ जिले रे एवं मयूरभंज जिले रे टू सम एक्सटेंट के होय आपण हो जे फिजिबल साइन नै आउ किछ दरकार नै केवल जेएमएम एमान को बार नो जेएमएम जेएमएम सहित एपर के जेडीयू एवं जनता दल आरजेडी र जो माने अछंती कथा हो जे सेमानकर विशेष प्रेजेंस नहीं ओडिसा रे किंतु सेमानकर नेतृत्व धंतु नीतीश कुमार एवं लालू यादव जदि कांग्रेस संगे ऐतिहासिक कैंपेन गले तार लोकों ऊपर प्रभाव रहइबो आउट कथा के लोक के थांतु के थांतु भारतीय जनता पार्टी रु किछ हि परंतु बा बिजु जनता दल रो किछ असंतुष्ट बा कांग्रेस से किसी असंतुष्ट अच्छा रीजनल आउट रीजनल आउटफिट कथा उठी एकदम टिकट जो आलोचना होने किसी फैक्टर करेंगे कि मुझे मना करूँ रीजनल आउटफिट किसी लोक करते कि आउटलुक आइडियाज भितर केवल पावर पर रीजनल आउटफिट करेंगे मुझे भावी सारा ठीक हमें तो से नीतिगत भाव कौन एक रीजनल पार्टी करेंगे विजु जनता दल जो क्षमता मुझे विजु जनता दल नेतृत्व को कही आप राजनीतिक आदर्श कौन केवल क्षमता
ठीक अच्छे क्षमता को आसला पर गुड गवर्नेंस हूँ से जस्टिफाई कर पाती जे आम बार बार जीतुचु तार अर्थ हूँ गुड गवर्नेंस दौचु जदि गुड गवर्नेंस दिखाई ओडिशार सामाजिक आर्थिक व्यवस्था अनएम्प्लॉयमेंट एपरी एक बेकारी सब इंडिकेटर में माड़ खाऊ क्वेश्चन ऑफ नाउ जो परिस्थिति से क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल फॉर कांग्रेस पार्टी इन ओडिशा बीजेपी सडनली पछुरु आसी मर्ज कला बीजेडी समहाउ मैनेज टू रिमेन एज द नंबर वन पार्टी ऑफ द स्टेट यही कॉन्टेक्स्ट जे अनेक लोग कह कथा जे कांग्रेस पाखरे आउ किछ रास्ता नाही इट शुड जॉइन हैंड्स विथ बीजेडी और बीजेडी मध्ये आवश्यकता आछि कांग्रेस रे नहीं मु कहेंगे कथा कहू छी इट इज टू अर्ली नाउ ए संपर्क रे एक निर्णायक स्तर रे जीवा पई किंतु मोर यदि आप इलेक्शन पंचायत इलेक्शन को इंडिकेटर देखिबे जो कांग्रेस भल भाव जो निर्वाचन मंडल रे कांग्रेस भल भाव लड़ी से बीजेडी जीति से बीजेपी आसपार ना यदि कांग्रेस जो लुजली लड़ी जो आम ठीक भाव लड़ी पारिना से बीजेपी पशि जापर मयूरभंज जिले में मयूरभंज जिले जब कांग्रेस जेएमएम ठीक भाव मिसिक लड़ी था हूँ तो बीजेपी पशि पारिनाली जगह एक्जाक्टली मैं माइ मोर कह उद्देश्य हूँ जे इफ आई कनसीडर मुझे भावे भारतीय जनता पार्टी इज ए बबल एंड ये खूब शीघ्र उभान हम ए मोर सन्देह ना भारत राजनीति एवं विशेषकर ओडिशार गरीब राज्य ए राज्य एक कांग्रेस दल भूमिकार गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही कांग्रेस दल को जदि ठीक भाव रखा जाए एवं जो जातीय दल रे जो माने कांग्रेस दल सांगे अच्छा कांग्रेस दल सांगे ध्वंस संभावना विजु जनता दल मत कहीं लगुच जेहेतु गोटे राजनीतिक दल केवल क्षमता जदि सेंटर पॉइंट हुए क्षमत आम रही होल्ड करूँ से कोलाप्स करने को बाध्य जो दल विचारधारा वर्तमान सुधा स्पष्ट नुहे जो राजनीतिक दल सोशल जस्टिस उपरे से मानकर विश्वास करते ना सामाजिक एठी यदि सोशल जस्टिस रे विश्वास करते कारण ओडिशार लोक विशेष किसी आशा करते जो ओडिशार लोक एस्पिरेसन्स धीरे धीरे जितेबाला कमी जाए आम अनएम्प्लॉयमेंट कहीं आम चाकरी मिलो ना से लगे दाबी बेकार युवक मान दाबी के आसुना मानते एस्पिरेसन्स को तो लोक राजनीति धीरे धीरे आसिले नॉट दैट जे आसुना लोक साइलेंटली अनेक जिनस को टॉलरेट करवा आम एक अभ्यास परिणत हो किंतु लोक बहुत आशा करते नवीन पट्टनायक पाखु गोटे मैसीव स्केल कि परिवर्तन हम ओडिशा विकास घटव ए सब स्तर तले पड़े बीजेपी को मॉडिफाई करा जाय पारे बट नॉट बीजेपी बीजेपी एजेंडा बीजेपी इज पोल अपार्ट आमठू कारण से माने विश्वास करते ना ना गांधी रे विश्वास करते ना लोहिया को विश्वास करते ना डॉक्टर आंबेडकर को विश्वास करते एमाने संपूर्ण एक अलग राजनीति केवल क्षमता से विभिन्न लोक ग्रहण कर देश में अनेक समय बैड गवर्नेंस गुड गवर्नेंस भितर जदि कहीं गोटे भल लोकटे भल कम कर लोक ना से भल लोक कि असल उद्देश्य कौन से जानपर एकदम लास्ट को आप भावना कि आउ समय ना 2019 आ देखु देखु पलैस पूरा ये सब फैक्टर को कैलकुलेट करा जो गुड बैड की पावर बर्तमान जो आलोचना हो सारा राज्य में देश में जे ओ बीजेपी आसीगला आउ किसी हम ना मानते कांग्रेस होप ना कि अगर कौन राजनीतिक दल किसी आउ ना मुझे एकमत नुह कारण मुझे दस जन एम एल ए को आम विधानसभा थी 1977 मसीह आम थी 120 ना 125 जन एम एल ए जनता पार्टी कांग्रेस थी मात्र 10 ना 12 जन एम एल ए कांग्रेस ना किसी भाइब्रांट ना कांग्रेस विरोधी दल नेता जी वृंदावन नायक थे आसिक जनता दल जातीय स्तर क्या कह नहीं जातीय स्तर में कहीं कह 77 जनता पार्टी सरकार को किए तापर भाव कांग्रेस इज ओवर फॉर एवर इवन इफ इंदिरा गांधी जिते धीरे धीरे लोक मतटा कमी बदले मुझे देखी मुझे एक कहूनी लोक मत कमी बदले तो आम 77 एवं 80 मसीह ओडिशा विधानसभा मात्र 10 जन 1980 मसीह 85 मसीह 21 जन सर
ତେଣୁକରି ପଲିଟିକ୍ସ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସୋ ଫାଷ୍ଟ, ରାଜନୀତିକ ଚିତ୍ର ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବଦଳେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଭାବରେ, ଯେମିତି ଏଠିକାର ଲୋକାଲ ବିଜେପି ମୋର ସିନା ନିଶ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଛି, ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର ନିଶ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଏଠି ମାଡ଼ିଯିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ କି ସୋବାଜି କରିକି ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେ ସଫଳ କାମ ହେବ। କାରଣ କାଲି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଯଦି ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଭୋଟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା, କେବଳ ପଞ୍ଜାବର ଭୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଥମେ, କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା? ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଜରାଟ ଇଲେକ୍ସନ ଇଜ୍ ଭେରି କ୍ରୁସିଆଲ। ସେ ତାକୁ ଏତେ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର, ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଇଲେକ୍ସନର ରେଜଲ୍ଟ ଯଦି ନେଗେଟ ହୁଏ, ରାଜସ୍ଥାନର ଇଲେକ୍ସନର ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ନେଗେଟ ହୁଏ, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଇଜ୍ ଓଭର, କଂଗ୍ରେସ ରିପିଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ବ୍ୟାଟଲ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ। ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୀତି ବଦଳିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି ସେଇ ହିସାବରେ ବଦଳିବ। ତେଣୁକରି 2 ବର୍ଷ 2019 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ସମୟ। ଏବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଆଲୋଚନା ସୋଦାରେ କ'ଣ ବେସିସ୍, କେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ ଅନ୍କୋର୍ଟ କହିନାହାନ୍ତି, କି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ପୁରୁଣା ନେତା ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଖଣ୍ଡ ପତିଆରା ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରଭାବୀ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ତାକୁ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ, ଏଇଭଳି କିଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସବୁ ଜାଗାରେ ରହିଛି କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ଭୋଟରଙ୍କ ଉପରେ, ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା, ପୁଣି ପୁଣି ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ରହିବା, ୱିଲ୍ କ୍ଲିନିଶ୍ ଟୁ ପାୱାର, ନଟ୍ ଦି ଆଇଡିଓଲୋଜି ଅର୍ କିଛି ଆଇଡିଓଲୋଜି ନାହିଁ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ଯେମିତି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ଭଲ ହେଉନି ତେଣୁକରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟାକୁ ଭଲ କରିବା, ଇଟ୍ ଅଲ୍ ରବିଶ, ଆର୍ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ମଷ୍ଟ, ବିଜେଡ଼ି ତା ନିଜକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ଉଚିତ ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍, ରାଇଟ୍? ଏକଦମ୍ ସେସ୍, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଯେହେତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ନୋ ନୋ ଫର୍ ୟୁ କଂଗ୍ରେସ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଲାଏନ୍ସଟା ନୁହଁ ମର୍ଜର, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଆଲାଏନ୍ସ କରୁଛି ଡଜେଣ୍ଟ ମିନ୍ ଦେଟ୍ କି ବିଲୟ ହେଉଛି ପାର୍ଟି ଭିତରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲାଏନ୍ସ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଏତେ, ସେ ଯେଉଁ କଥାରେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କୋଷ୍ଠୀ ନକ୍ଷ ମାନେ ଇଏ ଜାତକ ଫାତକ ନଦେଖି ଠିକ୍ ଅଛି, ବର କାମ କରୁଛି, କିଛି ପଇସା ରଖିଛି, ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତା ସହିତ କନିଆ ଦେଲା ଭଳିଆ, ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ନଟ୍ ଦେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଲାଏନ୍ସ ହେଇଯାଉ ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନର ଘୋର ବିରୋଧୀ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଏ ଆଇନ୍ଟି ବିଜୁ ବାବୁ କଲାବେଳେ ସେତେବେଳେ ବି କହିଛି ଆଇନରେ ଭୁଲ, ଏ ଆଇନକୁ ଆପଣ MLA MP ମାନେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଛିବେ, ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ କାହିଁକି ବାଛିବେ ଲୋକେ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାହିଁ ବାଛିବେ ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ମୁଁ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆଇନରେ ପରିଣତ ଯେଉଁ କରାହେଇଛି, ସେ ତା'ର ମୁଁ ଘୋର ବିରୋଧୀ। ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସର ଆମର ସବୁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି ଯେ ମହାନଦୀର ଇସ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ସେହି ମହାନଦୀ ଇସ୍ୟୁରେ ବିଜେପି ଛତିଶଗଡ଼ର ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରରେ ଥାନ୍ତେ, ସେ ଭିତରକୁ ଆସିପାରି ନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି। ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଯେହେତୁ ଆଲାଏନ୍ସ ହବ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ହେବା ଦରକାର, ବେଶୀ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ସମୟ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଲାଏନ୍ସ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଭିତରେ ଆଲାଏନ୍ସର ସମ୍ଭାବନା, କାରଣ ବୋଥ୍ ଆର୍ କମ୍ପିଟିଟର, ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ନୁହେଁ ବିଜେପି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉଭୟ ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଇମର୍ଜ କରିନଥିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ବବଲ୍, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ମୁଁ କହିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟ ଏ ବବଲ୍ ଏଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ, ଯଦି ସପା ବସ୍ପାର ମିଳନ କଥା ଉଠୁଛି, ମିଳନ କଥା ପଡ଼ୁନି, ମିଳନ କଥା ନା, ମିଳନ କଥା ସପା ବସ୍ପା ଏଠି କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ମିଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାଜନୀତିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିକ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠି, କାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିଜତ୍ୱକୁ ହରେଇ ବସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଆଲାଏନ୍ସ କଲା, ତାଙ୍କର କ୍ଲାରିଟି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ଯେ ବିଜେପିର ପଲିଟିକ୍ସକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୁନାହାନ୍ତି।
ବିଜେପି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିଟର ହିସାବରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଆଇଡିଆ ବା ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ଦେ ହ୍ୟାଭ୍ ନେଭର ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ଡିଫର୍ ୱିଥ୍ ବିଜେପି ୱାର୍ ଦ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାନ୍ ନେଭର ଜଏନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ବିଜେପି ଅଲ୍ ସେଡ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଡନ୍ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଏକଦମ ଅନ୍ଟଚେବଲ୍ ନଟ୍ ବିଜେଡି ନାଇଁ ବିକଜ୍ ଆଇ ଆମ୍ ଏ କଂଗ୍ରେସ ମ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବିଗିନିଂ ୱେନ୍ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ଏ ଅପସୁଟ୍ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଇଭିନ୍ ଦ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଇଜ୍ ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରିଭର୍ ଅଫ୍ ମେନ୍ ରିଭର୍ ଲାଇକ୍ ବିଜୁବାବୁ ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସୋ ଦ କଂଗ୍ରେସ ୱି ହାଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କଂଗ୍ରେସ ପଲିଟିକ୍ସ ଦୋ ଆଇ ୱାଜ୍ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ମାଇ ଟାଇମ୍ ମୋର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଜନତା ଦଳରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ଜନତା ଦଳରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି ଜନତା ଦଳରେ ବଟ୍ ଜନତା ଦଳ କାହା ଜନତା ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ନୀଳମଣି ରାଉତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ଥିଲେ ବୀରେନ ମିତ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା କଂଗ୍ରେସର ନେତା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେଠୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ ନତିଜା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କନକ୍ଲୁଜନକୁ ଆସିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ ଯେ 2019ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆସିବ ସରକାର କରିବ ବା ବିଜେଡ଼ି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ହେଇପାରେ ଗଠବନ୍ଧନ ଏସବୁ କଥା ସମାନ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ଗୋତ୍ର ଗୋଟେ ସେ ଗୋତ୍ର ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ କଥା ଭିତରେ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ ସେ କଥା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ